यार शॉर्ट की वीडियो बनाऊं या लॉन्ग की वीडियो बनाऊं, किस में होगी कमाई ज़्यादा? ये कन्फ्यूज़न आपको भी हो रहा है दोस्तों कि जब से शॉर्ट मोनेटाइजेशन की अपडेट आई है तब से जो क्रिएटर्स हैं वो बड़े ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि शॉर्ट वीडियो पर ज़्यादा पैसा मिलेगा या लॉन्ग वीडियो बनाने में ज़्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा कितनी वीडियो बनाएं जिससे 10 मिलियन व्यूज़ हमारे पूरे हो जाएं? अच्छा हमारा वॉच टाइम यहाँ पर पूरा होने वाला है तो हमारा वॉच टाइम जब काउंट हो जाएगा तो हमें मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, तो वो जो मोनेटाइजेशन होगा वो हमारे शॉर्ट्स पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चंस की भरमार है लोगों के पास। और जब मैं आपके क्वेश्चंस को यूट्यूब टीम तक लेके जाता हूँ तो कई बार सच मानिएगा कि हमें भी जवाब नहीं मिलते। अंडर प्रोसेस है, अपडेट और ज़्यादा आएगी, अभी हम आपको और बताएंगे, ये सारी चीज़ें हमें भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन कुछ क्लैरिटी आज हमें मिली है, उस क्लैरिटी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भट्टांगा। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हूं एक प्लैटिनियम मेंबर, साथ साथ एक वीडियो कंट्रीब्यूटर हूं टीम यूट्यूब के साथ। तो जो भी क्लैरिटी हमें मिलती है या जो भी कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चंस को हम लेकर जाते हैं टीम के पास। तो अपने क्वेश्चंस को पूछते रहिए कमेंट में, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिला है या कोई भी और चीज़ है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिए, लेकिन उसी चैनल से करिएगा जिस चैनल पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपको लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाना है या शॉर्ट टर्म कंटेंट बनाना है। देखिए कमाई की जहाँ तक मामला है, अभी हम शॉर्ट के केस में ये नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा आपको पैसा कमा कर देगा या लॉन्ग टर्म आपको पैसा कम कमा के देगा। करंट सिचुएशन में अगर आप मिक्स कंटेंट बनाते हैं, यानी कि आप लॉन्ग टर्म कंटेंट भी बना रहे हैं और शॉर्ट टर्म भी कंटेंट बना रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन दोनों ही रहने वाले हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में 4000 घंटे का जो क्लॉज है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, और दोनों के क्लॉज में 1000 सब्सक्राइबर का जो क्लॉज है वो तो पक्का है ही, वो तो आपको करना ही करना है। अब 4000 घंटे भी करना उतना ही मुश्किल है जितना कि 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट पर लेकर आना। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या एक्सपेरिमेंट अपने चैनल के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्योंकि YouTube भी कर रहा है इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि एक्सपेरिमेंट आप किस चीज़ का कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं वो समझिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म क्रिएटर हैं तो आप उस लॉन्ग टर्म क्रिएटर होने के नाते आप उसी कंटेंट में से शॉर्ट बनाना स्टार्ट करिए। शॉर्ट इन द सेंस ऑफ, या तो आप उन वीडियोस में से ही शॉर्ट काट लीजिए, जो कि मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि आप अपनी YouTube की जो अपलोडेड वीडियोस हैं जो आपके चैनल पर ऑलरेडी हैं उनको बिना मतलब दोबारा अपलोड करें आप उसमें से ही शॉर्ट को वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि उस शॉर्ट में आपको क्या फीडबैक आ रहा है। अगर आपको लगता है कि उस शॉर्ट पे आपकी व्यूज़ आपकी लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको यही करना चाहिए कि आपकी जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं उससे आप शॉर्ट क्रिएट करना स्टार्ट करें। इससे आपके दो फायदे होंगे। इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको अलग से शूट नहीं करना पड़ेगा, अलग से अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आप उसी वीडियो का एक छोटा सा पोर्शन काटेंगे और अपलोड कर देंगे। सेकंड फायदा आपको ये होगा कि आपके चैनल की जो थीम होगी वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी। और जो यूट्यूब कहता है ना कि आपका चैनल इसलिए ग्रो नहीं हो रहा क्योंकि आप मिक्स कंटेंट बना रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिक्स कंटेंट की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्योंकि आपकी जो कंटेंट होगी वो बेसिकली आपकी थीम पर होगी। एक फ़ायदा तो आपको यही मिलेगा जो कि YouTube आपसे खुद कह रहा है कि आप अपनी पुरानी वीडियो से शॉर्ट क्रिएट करो, क्योंकि और वो शॉर्ट भी कंसिडर शॉर्ट में ही हो रहे हैं। और वहाँ से आपको एक लाभ ये भी मिल रहा है कि आपकी जो वीडियोस हैं उन पर अगर मान लीजिए आपने उस पर ये लिखा कि एक टैग आपने लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया कि फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो हो सकता है कि अगर 50,000 लोग देखें तो हो सकता है 5,000 लोग या 6,000 लोग आपकी उस वीडियो को भी देखें और आपको वहां से वॉच टाइम भी मिल जाए और आपको सब्सक्राइबर मिल जाए। तो ये एक बीच का ब्रिज मैं आपको बता रहा हूं। अमूमन क्या हो रहा है यूट्यूब पे कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बना दी कि लॉन्ग वर्सेज शॉर्ट, लेकिन ये नहीं बताया कि दोनों को किस तरह से आप मेल कर सकते हैं और आपको शॉर्ट में भी व्यूज़ मिलेंगे और आपको लॉन्ग में भी व्यूज़ मिलेंगे। अगर आपके शॉर्ट में से कोई वीडियो पे लॉन्ग वीडियो पे जाता है तो वहाँ पर आपको सब्सक्राइबर भी मिलेगा और आपको वॉच टाइम भी मिलेगा। ये एक ऐसा हिडन फैक्ट है जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पे। तो प्लीज़ इस हिडन फैक्ट के वजह से आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि सिर्फ शॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो अगेन शॉर्ट अगर आपको बनाना है तो शॉर्ट आपको एक थीम पर लेकर आना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट में भी वेरियस थिंग डालेंगे, यानी कि कल मैं जैसे आप लोग के चैनल्स को चेक कर रहा था तो मैंने पाया कि आप लोग दूसरे की हिरस कर रहे हो, मतलब ये कि कोई संदीप महेश्वरी के डाल रहा था, कोई किसी के डाल रहा था, ये चीज़ें मत करो। अगर आप
रीयूज कंटेंट में आओगे तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। यूट्यूब उसमें फिर हाथ खड़े कर देगा कि आपने दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करी हैं या आपने कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जिसको मोनेटाइज नहीं कर सकता। अब आपके सब्सक्राइबर पहुंच गए बहुत सारे, फिर आपको मोनेटाइज नहीं मिलता है, तो मोनेटाइजेशन आपको नहीं मिलता है तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन आती है। तो आप कोशिश करिए कि आप जिसमें बेस्ट हैं, आप अगर कुकिंग में बेस्ट हैं, अगर आप टेक में बेस्ट हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट हैं, या आप गेमिंग में बेस्ट हैं, आप किस में भी बेस्ट हैं, तो कोशिश करिए कि अपना कंटेंट बनाइए और उस कंटेंट से हटिए मत। मतलब ये कि अगर आप इसको ऐसे मानिए कि एक किताब आपने पढ़नी स्टार्ट करी, आपको कॉन्सेंट्रेशन उसी किताब पर रखना है और उसको अंत तक लेके जाना है। अब यूट्यूब के केस में किताब का अंत नहीं है, आप जितने हो सके जितना अंदर हो सके आप जाते रहिए। अब इसमें एक चीज़ और आपको पता चलेगी कि जब आपकी 10 15 20 वीडियो निकलेंगी शॉर्ट की, तो आपको पता लगेगा कि ये वाला जो शॉर्ट था ये चला था, ये वाला शॉर्ट मेरा नहीं चला था। अब क्यों नहीं चला था ये आपको एनालिटिक्स बता देगा कि क्यों नहीं चला था, कितनी रिटेंशन आई थी। जो आपके चल रहे हैं उसके अपग्रेडेड वर्जन आप बनाते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा। तो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट में क्या करें, मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट क्रिएट करिए, उससे आपको डबल फायदा होगा। साथ साथ शॉर्ट वीडियोस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने चैनल पर, तो आप एक थीम को पकड़कर बनाइए, एक सब्जेक्ट को लेकर बनाइए, आपका चल पड़ेगा। अब इसमें एक जो क्लॉज आ रही है कि कमाई किस में ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं, जो ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वीडियोस होती हैं, जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं, क्योंकि शॉर्ट के अंदर क्या है कि एक मिनट की वीडियो आप बनाओगे, उसके बाद आपको आप उसमें सीमित आपके पास दायरा है, लेकिन लॉन्ग वीडियो में कोई सीमित दायरा आपके पास नहीं है। तो उस केस में अगर आप लॉन्ग वीडियोस भी साथ में क्रिएट करते रहो तो ज़्यादा फायदा है। और ये फैक्ट है कि यार लॉन्ग वीडियो में कमाई ज़्यादा होगी आपकी शॉर्ट के बनस्पात। क्यों, कितने लोग सुपर थैंक्स दे देंगे आपको शॉर्ट में? अगर आपने 40 सेकंड का शॉर्ट बनाया, बहुत ही डाई हार्ड फैंस आपके होंगे, तो ये आपको सुपर चैट मिलेगी, सुपर स्टिकर मिलेगा या और भी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप जाते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, तो सुपर चैट, थैंक्स, सुपर थैंक्स, इस तरह की आपको जो चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगी। और लाइव का ऑप्शन भी आपको जो है वो जो आप लाइव करोगे वो भी आपका लॉन्ग फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि आप बनाइए शॉर्ट वीडियोज़, आपके व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको उससे भी कमाई होगी। और अभी भी जिनके मोनेटाइजेशन ऑन है, मैं यहाँ पर एक आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, वो भी अपने शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन को यहाँ पर ऑन रखें, ऑफ ना करें। आप देखेंगे अगर आपका मिलियन में जाएगा तो आपको कुछ अर्निंग उससे हो जाएगी, और जो अर्निंग आपको वहाँ से हो रही है करंट सिचुएशन में, वही आपको बता देगी कि आपको 10 मिलियन व्यू पे कितने पैसे आए होंगे। या आप पूछ ले सकते हैं, अगर आपका कोई चैनल है और आपने 10-15 मिलियन आपको आए और आपने उस पर मोनेटाइजेशन ऑन कर रखी थी, क्योंकि शॉर्ट्स जो है वो सिर्फ शॉर्ट फीड में नहीं जाता है, वो सर्च में भी आता है। तो जब जब वो सर्च में आएगा तब तब आपको मोनेटाइजेशन का फ़ायदा यहाँ पर देकर जाएगा। तो लॉन्ग वर्सेज शॉर्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है कमेंट कर दो, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, चैनल पे कोई चीज़ आपको फीचर नहीं मिला है, तो आप कमेंट करो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए ना।